खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL TV और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहले नजर हेडलाइंस पर। विदेशी व्हाट्सएप नंबर पर कलेक्टर की फोटो लगा साइबर ठगी का किया प्रयास, खैरथल तिजारा कलेक्टर ने रिपोर्ट करवाई दर्ज। नकली उर्वरकों और कालाबाजारी पर अंकुश के लिए हुई धरपकड़, कृषि विभाग ने लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र में दो को दबोच, उर्वरक किए जब्त। टूटते संयुक्त परिवार और तनावपूर्ण जीवन बने मानसिक रोगों की वजह, विश्व मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह का हुआ आगाज। और करणी माता सहित देवी मंदिरों में उमड़ रहे हैं भक्त, शारदीय नवरात्रों में जारी है विशेष पूजन। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। साइबर ठगी के प्रकरण लगातार बढ़ रहे हैं, ये शातिर आमजन ही नहीं कलेक्टर जैसे पदों पर आसीन अधिकारियों को भी नहीं बख्श रहे। इसी कड़ी में खैरथल तिजारा जिला कलेक्टर किशोर कुमार ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। इसमें बताया गया है कि साइबर ठगों ने एक विदेशी फर्जी व्हाट्सएप नंबर पर जिला कलेक्टर की फोटो लगाकर उनके अधिकारियों और परिचितों से साइबर फ्रॉड करने की कोशिश की। किशोर कुमार ने बताया कि साइबर ठगों ने उनके एक फोटो का इस्तेमाल कर उनके नाम से फर्जी विदेशी व्हाट्सएप नंबर के जरिए अकाउंट बना लिया। इस घटना की जानकारी मिलते ही कलेक्टर ने खैरथल SP मनीष कुमार एवं SP भिवाड़ी ज्येष्ठा मैत्रेयी को अवगत करवाया। साथ ही कलेक्टर ने जिला स्तर के अधिकारियों के ग्रुप और अन्य परिचितों को मैसेज कर साइबर ठगों से सावधान रहने की अपील की है। वहीं इस नंबर से किसी को भी मैसेज मिलने पर पैसे नहीं डालने और सावधान रहने का आग्रह किया है। कलेक्टर के नाम से किए गए व्हाट्सएप मैसेज उज्बेकिस्तान के नंबर से आए हैं। इस पूरी घटना के बाद जिला साइबर टीम IP एड्रेस और अन्य तकनीकी माध्यम से आरोपी को ट्रेस करने की कोशिश कर रही है। जिले में रबी फसल की बुआई से पहले कालाबाजारी और नकली उर्वरक बेचने की कोशिशें हो रही हैं। इन पर अंकुश लगाने के लिए कृषि संयुक्त निदेशक ने सघन चेकिंग अभियान चलाकर धरपकड़ शुरू की है। इसी क्रम में लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र में दो लोगों को उर्वरकों के 38 बैग सहित दबोच लिया गया। संयुक्त निदेशक PC मीणा ने बताया कि किसानों को गुणवत्तापूर्ण असली DAP और उर्वरक खरीदने का ध्यान रखना होगा। इसके लिए सहकारी समिति और लाइसेंस वाली दुकान से ही खरीद करें। उधर कृषि अधिकारी जितेंद्र फौजदार ने जालूकी रोड पर ग्राम उक्सी निवासी रविंद्र कुमार और खोहो जागरू निवासी चतर सिंह के पास से 38 बैग बरामद किए हैं। यह उर्वरक जांच के लिए लैब में भेजा गया है। साथ ही लक्ष्मणगढ़ थाने में मुकदमा भी दर्ज कराया गया है। अलवर शहर में चोरों द्वारा लगातार वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। खास तौर पर ये शातिर सोने मकान को देखते ही चोरी कर डालते हैं। इसी कड़ी में मालवीय नगर में चोरों ने लाखों के नकदी जेवर पार कर लिए। पीड़ित महिला नीलम शर्मा के अनुसार वह अपने मायके बहादुरपुर गई थी। वहीं उनके पड़ोसी का फोन आने के बाद जब मालवीय नगर पहुंचे तो कमरे के ताले टूटे हुए थे और सामान बिखरा हुआ था। पीड़ित महिला ने बताया कि उनके घर से सोने की चैन और कुछ अन्य जेवरों सहित 50,000 की नकदी एवं अन्य सामान चोरी हुआ है। इस घटना का एक CCTV वीडियो भी सामने आया है। तो सुबह मुझे पता बोले कि पड़ोसी कि तुम घर आ गए हो, बोले नहीं तो तुम्हारा दरवाजा खुला हुआ है। मैंने कि देखना क्या हुआ, तो लॉक टूटे हुए मिले बाहर के कांटे और अंदर के अलमारी के भी लॉक काट दिए, वहां से सामान भी चोरी हुआ है। क्या चोरी हुआ है? एक सोने की चैन है और चूड़ी है, पायल है, टॉप्स है, 4 जोड़ी पायल है, चांदी के बर्तन है, 50,000 नगद है, जेंट्स वॉच है 3, एक लेडीज वॉच। कुल कितने कीमत के सामान हो गई? करीब 5 लाख। वर्तमान में टूटते संयुक्त परिवार और तनावपूर्ण जीवन के चलते मानसिक रोग बढ़ रहे हैं, यह कहना है विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर के अध्यक्ष एवं जिला और सत्र न्यायाधीश हरेंद्र सिंह का। वे विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर आरंभ सप्ताह के पहले दिन लगे शिविर में संबोधन दे रहे थे। अभिभाषक संघ के कक्ष में लगे कैंप में मुख्य अतिथि वरिष्ठ न्यूरो फिजिशियन डॉक्टर सुमित मित्तल रहे। कार्यक्रम में हरेंद्र सिंह ने कहा कि मानसिक विमंडित व्यक्ति के साथ सामान्य व्यक्ति की तरह व्यवहार करते हुए उसके अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।
वहीं प्राधिकरण सचिव मोहनलाल सोनी ने बताया कि उचित दवाइयों एवं देखरेख से मानसिक विमंदता का इलाज संभव है। उन्होंने संबंधित एक्ट एवं प्रावधानों के बारे में भी बताया, जबकि मुख्य अतिथि डॉक्टर मित्तल ने मानसिक रोगों के लक्षण, अवसाद, आत्महत्या की प्रवृत्ति एवं इनकी रोकथाम के तरीके बताए। पॉक्सो कोड संख्या 3 के विशिष्ट न्यायाधीश मुकेश चौधरी द्वारा भी उपयोगी जानकारी दी गई। कार्यक्रम का संयोजन अपना घर महिला आश्रम की सचिव रेणु मिश्रा ने किया। वहीं अभिभाषक संघ अलवर के अध्यक्ष राकेश शर्मा द्वारा धन्यवाद ज्ञापन किया गया। शारदीय नवरात्र के इन दिनों में देवी मंदिरों में भक्त उमड़ रहे हैं। रविवार को अवकाश के दिन बालाकिला स्थित करणी माता मंदिर में सुबह 6 बजे से ही भक्तों की कतारें नजर आई। मंदिर के महंत उमेश शर्मा ने बताया कि करणी माता का विशेष श्रृंगार किया गया है। माता की पोशाक कोलकाता और मुकुट वृंदावन बांके बिहारी मंदिर से मंगाया गया है। बड़ी संख्या में भक्त अपनी मन्नत मांगने यहां आ रहे हैं। मेरा नाम उमेश शर्मा, मुख्य महंत करणी माता मंदिर। आज रविवार का दिन है और सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। भक्त आते 6 बजे से जो है भक्त दर्शन के लिए आ रहे हैं। 7:30 बजे तक का समय रहेगा भक्तों के लिए दर्शन के लिए। आज माता स्कंद माता की पूजा की गई है। माता करणी का विशेष श्रृंगार किया गया है। आज की जो पोशाक है वो विशेष कलकत्ता से मंगाई हुई और मुकुट जो है श्री बांके बिहारी मंदिर के वृंदावन के साइड से वहां से मंगाई। श्रद्धालु आज यहाँ राजस्थान से तो आती हैं या राजस्थान के अलावा हरियाणा पंजाब सभी जगह से, यहाँ तक कि बिहार से भी श्रद्धालु या दर्शन करने आते हैं। अलवर जंक्शन के प्लेटफॉर्म 2 के पास लाश मिलने से सनसनी फैल गई। 108 एम्बुलेंस कर्मचारी अमरजीत चौधरी ने बताया कि एक रिक्शा चालक ने प्लेटफॉर्म के पास इस व्यक्ति के पड़े होने की सूचना दी थी। जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के पास मिले आधार कार्ड आदि के आधार पर पता लगा कि 51 वर्षीय यह शख्स कटनी मध्य प्रदेश का निवासी था। वहीं परिजनों के आने पर पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। 108 कंट्रोल रूम से कॉल आया है कि एक प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे अनकॉन्शियस पेशेंट है। तो हमने वहाँ जाकर देखा पेशेंट को, तो पेशेंट ब्रॉड डेड है और कॉलर ने 112 कंट्रोल रूम पर भी सूचना कर दी है। पेशेंट को हम यहाँ ले आए हॉस्पिटल, राजीव गांधी हॉस्पिटल में। अभी उसके जब देख रहे हैं उसे कोई सूचना मिल जाए कहाँ का है। वैसे आधार कार्ड में मध्य प्रदेश का है वो। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने दावा किया है कि रामगढ़ उपचुनाव में कांग्रेस निश्चित तौर पर जीतेगी। साथ ही हरियाणा में कांग्रेस को आसानी से बहुमत हासिल होगा। मीडिया कर्मियों से बातचीत में उन्होंने अपने विचार रखे। और रामगढ़ में तो बड़े बहुमत के साथ यहाँ कांग्रेस चुनाव जीतेगी। हमने काम किया है उसके आधार पर वोट मांगेंगे। जनता ने मैंडेट कांग्रेस को दिया था, लेकिन ये ऊपर वाले की जैसा भी हुआ कि जुबेर जी आज हमारे बीच में नहीं है। जनता ने 5 साल के लिए हमें चुना था, वापस हमें ही समर्थन कांग्रेस का मिलेगा। तो क्या लग रहा है आपको वहाँ पे भी रामगढ़ में भी स्थिति ऐसी हो, त्रिकोणीय संघर्ष का? कोई त्रिकोणीय नहीं, एक तरफा है, कोई भी लड़ ले एक तरफा। जनता ने तय कर लिया है कि जुबेर जी की सीट जुबेर जी को देनी। जिस प्रकार भाजपा कर रही कि सिंपैथी के आधार पर कांग्रेस इसमें लाभ मिल सकती है रामगढ़ को, सिंपैथी तो रहती है। देखिए जुबेर जी ने काम किया था, जुबेर जी को जनता ने जिताया था, बड़े बहुमत के साथ जिताया था, अच्छे खासे मार्जिन से वो जीते थे, लेकिन बीच में चले गए तो जनता का तो मन जुबेर जी के प्रति रहेगा। तो निश्चित तौर पर रामगढ़ में जल्दी चुनाव की घोषणा कब तक हो सकती है? आप नेता प्रतिपक्ष हैं, मैं समझता हूँ बाकी ये लोग डरे हुए हैं, उपचुनाव भी टुकड़ों में करा सकते हैं। बाकी उम्मीद है इस वीक में तारीख की घोषणा हो जानी चाहिए। टपुगड़ा थाना अंतर्गत बाइक सवार व्यक्ति ने 12 साल की मासूम को टक्कर मार दी। इस वजह से बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे इलाज के लिए अलवर जिला अस्पताल में लाया गया है। बच्ची के फूफा रामवीर आदि यूपी के निवासी हैं और यहां मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। घटना के दौरान दीपांशी अपने भाई के साथ दुकान पर सामान लेने के लिए जा रही थी। टक्कर मारने के बाद बाइक सवार फरार हो गया। 3 बजे के टाइम पर लगभग ये लड़की कुछ सामान लेने के लिए जा रही थी चौक पे, और एक बाइक वाला उधर से आया टप्पूकड़ा खुसकेड़ा रोड से, और कुछ दूरी पर जो है उधर से उधर टक्कर मार के और निकल के भाग गया। और लड़की को जिला अस्पताल ले गया, वहाँ भर्ती कराया और भर्ती कराते ही अपना फरार हो गया, गायब हो गया। घटना का की है? घटना यह है टप्पूकड़ा की है। श्री राजर्षि अभय समाज के रंगमंच पर शनिवार रात दशरथ दरबार, राम वनवास
और केवट प्रसंग आदि का प्रभावी मंचन किया गया। इसमें बताया गया कि राजा दशरथ अपने दरबार में राम के राज्याभिषेक की घोषणा करते हैं, लेकिन मंथरा की चालाकी से कैकेयी ने राम के लिए वनवास मांग लिया, साथ ही भरत को राज देने की मांग की, साथ ही कई अन्य प्रसंग मंचित हुए। राम को वनवास के समय जसवंत सैनी ने भावपूर्ण गीत प्रस्तुत किया। उधर प्रेरित कृष्ण, आदित्य, कुणाल, लक्षिता, नंदिनी, लोकेश मिश्रा और दीपक पंडित ने इन प्रसंगों की भूमिकाएं अदा की। पहले ही बेटी को वन में हम रोते देख नहीं सकते, पत्तों पर और कुशाओं पर। और वहीं अलवर के तांगा स्टैंड रंगमंच पर शनिवार रात्रि रामलीला में राम केवट का विशेष संवाद हुआ। वहीं रामलीला का शुभारंभ फल सब्जी मंडी आड़ती एसोसिएशन अध्यक्ष कैलाश सैनी और जिला कैटरिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष रितेश सैनी आदि ने किया। इस मौके पर भगवान श्री राम की महाआरती की गई। उधर राम वन गमन आदि से जुड़े प्रसंग भी मंचित हुए। इस दौरान विपिन, लक्ष्य, हर्ष साहू, अजय बवेजा, रोबिन तनेजा, विजय राठौड़ और निशांत धानावत ने विभिन्न भूमिकाएं निभाई। अलवर शहर के दिल्ली रोड स्थित चैंबर भवन में रविवार को लघु उद्योग भारती महिला इकाई ने प्रथम स्थापना दिवस मनाया। महिला इकाई की अध्यक्ष शिवानी यादव ने बताया कि पहले स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। वहीं 17 से 19 अक्टूबर तक हस्तशिल्प प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इस प्रदर्शनी के पोस्टर का विमोचन भी किया गया है। इस प्रदर्शनी में दैनिक भास्कर मीडिया पार्टनर एवं एटीएल न्यूज चैनल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पार्टनर रहेंगे। वरिष्ठ उपाध्यक्ष सोनिया गुप्ता द्वारा इस स्वयं सिद्धा प्रदर्शनी के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही प्रदर्शनी में भाग लेने वाले प्रतिभागियों का एक लकी ड्रॉ भी निकाला गया। और आज का जो हमारा कार्यक्रम है वो आज हमारा प्रथम स्थापना दिवस है लघु उद्योग भारती का। आज हमारी लघु उद्योग भारती महिला इकाई को अलवर में पूरा एक साल हुआ है, उसी के उपलक्ष्य में हमने ये प्रोग्राम चैंबर भवन में करा है। और यहाँ पे हमने जो प्रोग्राम करा है उसमें कुछ अपने चीफ गेस्ट बुलाए हैं और इस चीफ गेस्ट के साथ साथ हमने अपने एग्जिबिटर्स को भी यहाँ पे इनवाइट किया है। हम जो स्वयं सिद्ध एग्जिबिशन 17, 18, 19 अक्टूबर अलवर में जो लगाने जा रहे हैं उससे रिलेटेड हम एग्जिबिशन के बारे में उनको डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे। उस एग्जिबिशन में हमारे बहुत सारे अट्रैक्शन हैं, जैसे हमारे साथ मेदांता गुड़गांव जो हेल्थ क्लब है वहाँ से हेल्थ कैंप लगेगा, जहाँ पे डॉक्टर्स 12 डॉक्टर्स की टीम आएगी और यहाँ पे फ्री हेल्थ चेकअप स्वयं सिद्धा के थ्रू प्रोवाइड किया जाएगा। इस कार्यक्रम के दौरान हमने हमारी आगामी जो हम लोग प्रदर्शनी करने जा रहे हैं स्वयं सिद्धा, जो हमने लास्ट टाइम अप्रैल में भी की थी, 5, 6, 7 अप्रैल को हमारी पिछली एग्जीबिशन थी, अब वही स्वयं सिद्धा एग्जीबिशन अब हम लोग 17, 18 और 19 अक्टूबर को करने जा रहे हैं। इस स्वयं सिद्धा का हम इस कार्यक्रम में आज पोस्टर रिविलेशन भी करेंगे। वहीं इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि दैनिक भास्कर के यूनिट हेड पंकज अग्रवाल और लघु उद्योग भारती के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष राजेश गुप्ता रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता लघु उद्योग भारती मुख्य इकाई के अध्यक्ष देवेंद्र अग्रवाल द्वारा की गई। वहीं महासचिव अलका सिंह ने बताया कि आने वाले समय में स्किल डेवलपमेंट सेंटर शुरू करने की योजना है। उधर मंच संचालन रूपाली गुप्ता द्वारा किया गया, जबकि उपाध्यक्ष पारुल अग्रवाल ने धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम में चैंबर ऑफ कॉमर्स एवं इंडस्ट्रीज के सचिव अमित श्याम सुखा, लघु उद्योग भारती के महासचिव शशांक झालानी, कविता सैनी, विशु महावर, आस्था शर्मा, मनीषा यादव और शिवानी शर्मा आदि सदस्य उपस्थित रहे। लायंस सेवा सप्ताह परोपकार के चौथे दिन शनिवार को बाल कैंसर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें जयपुर से आए विशेषज्ञ डॉक्टर निखिल मेहता ने बताया कि 9 साल से बड़ी अविवाहित लड़कियों को HPV वैक्सीन लगवाकर सर्वाइकल कैंसर से बचा जा सकता है। यह कार्यक्रम मित्तल हॉस्पिटल में संपन्न हुआ। रीजन एडवाइजर एवं पूर्व जोन चेयरपर्सन डॉक्टर एस सी मित्तल ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। वहीं गिरीश गुप्ता ने विभिन्न गतिविधियों से अवगत करवाया। मुख्य वक्ता के रूप में कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निखिल मेहता ने बाल कैंसर जागरूकता पर विस्तृत जानकारी दी। साथ ही बताया कि पैक्ड फूड सामग्री के बजाय बच्चों की डाइट को हेल्दी बनाया जाए। उधर शिविर में गिरीश गुप्ता, अलका मित्तल, डॉक्टर एस सी मित्तल, सत्यनारायण खंडेलवाल, दिलीप गोयल, डॉक्टर मंजू अग्रवाल और डॉक्टर हरीश गुप्ता आदि की मौजूदगी रही। जांगिड़ ब्राह्मण समाज समिति ने तहसील मालाखेड़ा कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया। इस दौरान प्रतिभावान सम्मान भी किया गया। सर्वप्रथम गणेश जी एवं विश्वकर्मा का पूजन हुआ, जिसमें विशिष्ट अतिथि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली रहे। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष हिम्मत सिंह चौधरी ने भी शिरकत की। नव निर्वाचित अध्यक्ष बनवारी लाल जांगिड़ ने कार्यकारिणी को शपथ दिलवाई।
इसमें उपाध्यक्ष पद पर प्रेम कुमार जांगिड़, मंत्री जगदीश प्रसाद जांगिड़, मुख्य सलाहकार सुभाष चंद्र, कोषाध्यक्ष लल्लू राम जांगिड़ और मुख्य सचेतक हरि प्रसाद आदि शामिल थे। जांगिड़ समाज का यहाँ पे नव निर्वाचित जो कार्यकारिणी है उसका शपथ ग्रहण और जो प्रतिभावान बच्चे हैं उनका प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। मेरी ओर से मैंने कार्यकारिणी को और बच्चों को बधाई और शुभकामनाएं दी। आने वाले समय में सब लोग मिलके समाज के लिए अच्छा काम करेंगे, समाज की जो कमियां हैं उनको ठीक करने का काम करेंगे, समाज को नई दिशा देंगे। ग्रामीण यहाँ से पधारे थे, सारे तहसील के जिला के प्राधिकृत पधारे हैं, उन्होंने सामूहिक रूप से सबने सहयोग किया है। हम उसके लिए सबको वह जो हार्दिक अभिनंदन करते हुए हैं। वो सभी पधारे आराम से उनको हमसे स्वागत किया गया, भोजन की व्यवस्था की गई, जल पान किया गया, उनको बार बार हम धन्यवाद। शिक्षक संगठन रुकटा डेमोक्रेटिक ने उप मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा की छवि को खराब करने के प्रयासों के आरोप लगाए हैं। पदाधिकारियों के अनुसार सोशल मीडिया पर झूठे पोस्ट के जरिए चरित्र हनन करने की कुटिल चाल अपनाई जा रही है। संगठन के प्रदेश संयोजक प्रोफेसर रमेश बैरवा के अनुसार डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा की छवि बिगाड़ने का इस कृत्य के पीछे दलित विरोधी मानसिकता का हाथ है, जबकि डिप्टी सीएम बैरवा लगातार बेहतर कार्य कर रहे हैं। माननीय उप मुख्यमंत्री व उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी की छवि को सोशल मीडिया पर झूठी और मिथ्या पोस्ट चलाकर या चलवाकर चरित्र हनन करने की जो कुटिल चाल चली जा रही है उस पर कड़ा आक्रोश व्यक्त करता है, इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता है। यह निंदनीय कृत्य दलित विरोधी मानसिकता के व अवसरवादी तत्वों के द्वारा किया जा रहा है। डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा कॉलेज शिक्षा में सुधार के लिए प्रयासरत है। कॉलेजों में विशेषकर जो वंचित तबके के शिक्षक है, कार्मिक है, उनके प्रति संवेदनशील है। कॉलेजों की स्थिति, विशेषकर राजशेष कॉलेजों की स्थिति को सुधारने के लिए प्रयासरत है। राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम की उमरैन उपशाखा के चुनाव राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खोरा में निर्विरोध संपन्न हुए। प्रदेश सलाहकार देवेंद्र धार एवं प्रदेश संरक्षक राजेंद्र प्रसाद शर्मा की देखरेख में यह चुनाव करवाए गए। इस दौरान नवीन कुमार शर्मा को अध्यक्ष, मनीष जैन मंत्री और भूप सिंह चौहान को कोषाध्यक्ष चुना गया। निर्वाचन अधिकारी डॉ. दीपक शर्मा ने बताया कि अन्य पदाधिकारियों में संरक्षक बालकृष्ण शर्मा, सभा अध्यक्ष दीपक खुराड़िया, उप सभा अध्यक्ष अजीत चौहान और कार्यकारी अध्यक्ष देशराज यादव आदि शामिल हैं। इसके अलावा उप शाखा अलवर शहर में प्रवीण जैन को अध्यक्ष, विजय कुमार शर्मा मंत्री और विनोद तिवारी को कोषाध्यक्ष चुना गया है। निर्वाचन अधिकारी सुनील कुमार शर्मा के अनुसार सभा अध्यक्ष करण उपाध्याय, उप सभा अध्यक्ष हर्षिता गंगावत और कार्यकारी अध्यक्ष अखिलेश कुमारी सहित कई पदाधिकारी निर्वाचित हुए हैं। कठुमर क्षेत्र निवासी एक दंपति जिला कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाने मिनी सचिवालय पहुंचे। उन्होंने कठुमर थाने के एक हेड कांस्टेबल पर अनेक आरोप लगाए। टिगरिया निवासी मानसिंह के अनुसार उनके द्वारा बोए गए बाजरे को परिवार के ही कुछ लोग जबरन ले गए। जब पुलिस को शिकायत की तो उल्टे उन्हें ही पकड़ लिया गया। साथ ही दूसरे पक्ष ने उनकी करीब पौना बीघा जमीन पर कब्जा भी कर लिया है। महिला लच्छो देवी ने भी इस बारे में जानकारी प्रदान की। मेरा ही तो खेत, मैंने बोयो, मैंने वो बाजरे पेड़ है जो मैंने काट लिए, वह भरने के बाद बाजरे और पुलिस को दे पैसा और धक्का दे के और मुझे ले गए 2000 रुपया लिए। जब छोड़े में पुलिस ने और अब नुखे 10 मन बाजरे फैसलो कर नहीं, चोरी में फंसाऊंगा तुझे पुलिस। क्या नाम है आपका? मान सिंह। कौन थानेदार है जो आपसे इस तरह बात कर रहा है? साहब मैं तो बस नाम तो जानू ना, ऐसा ही दिखे। कौन सा उसका गांव है? गुजर है, वैसे तो इतना तो मैं जानू, गुजर है मैं आगे कहा जानू। मेरे काके पौन बीघे खेत है। किसने कब्जा किया? बड़े भाई के छोटे ने, आके ने जेठ के ने। क्या मारपीट भी की है? मारपीट करे बुड्ढे की खींच ले गई पुलिस और कहा 2000 रुपए ले लिए पुलिस ने। कौन से थाने की पुलिस थी? कठुमर की। पैसे किसने लिया है? कठुमर के SI ने, बुड्ढे पे तो 2000 रुपए जब छोड़ो। क्या नाम है उस थानेदार का? वैसे जाति गुजर नाम तो पता नहीं, राम सिंह है एक जाने को।
अलवर में पुलिस अन्वेषण भवन मैरिज होम परिसर में रविवार को जिला मेघवाल समाज संस्था की बैठक आयोजित हुई। महासचिव डॉक्टर महेश ने बताया कि इस दौरान आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया। वहीं दिसंबर माह के अंतिम सप्ताह में प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा। शीघ्र ही सामूहिक विवाह सम्मेलन भी आयोजित होगा। आज राजस्थान मेघवाल समाज संस्था की आम सभा की बैठक संपन्न हुई है। हमारी इस बैठक में सर्वप्रथम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद गत जो बैठक हुई थी हमारी, उसका विवरण पढ़कर सुनाया गया, जो सभी द्वारा स्वीकृत किया गया। इसके अलावा हमने जो प्रतिभा सम्मान समारोह किया था और सामूहिक विवाह सम्मेलन किया गया था, संस्था का आय व्यय का ब्यौरा समिति के कोषाध्यक्ष श्री थारूमल जी द्वारा पेश किया गया, जो सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया। आज राजस्थान मेघवाल समाज संस्था जिला अलवर की जो आम सभा की बैठक आयोजित हो रही, इसमें हमारे मुख्य एजेंडे जो आज के हैं वो एक तो यह है कि हमारे जो प्रतिभा सम्मान समारोह तथा सामूहिक विवाह सम्मेलन में जो खर्च आय व्यय का ब्यौरा खर्च रहा उसका सभी समाज के सामने प्रस्तुत करना, और आगे समाज के विकास में जो बाधक जो तत्व हैं उनके विषय में विचार करना तथा उनको दूर करना, और समाज के छात्र छात्राओं के लिए शैक्षिक माहौल, अच्छे से अच्छा शैक्षिक माहौल तैयार कर और उसको समाज के विकास में सहयोग प्रदान करना, आगे बढ़ाना। आज राजस्थान मेघवाल समाज की आम सभा की बैठक आयोजित की जा रही है, जिसमें हमने पिछले बैठक की कार्रवाई की पुष्टि करने के बाद में आय व्यय का विवरण को भी सभी सदन ने, जिस जो हमारे कोषाध्यक्ष थावरमल जी ने प्रस्तुत किया था, उसको भी सब सदन ने स्वीकृत किया है। और इसके बाद हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हम दिसंबर माह के अंतिम सप्ताह में जिला स्तरीय, जिसमें अलवर, कोटपुतली, बहरोड और ख्यातल तिजारा जिलों के सभी मेघवाल समाज की प्रतिभाओं को सम्मानित करने का हमने निर्णय लिया है। इसके अलावा हम शीघ्र ही सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन करने का भी निर्णय की भी तारीख तय करने का के बारे में विचार विमर्श करेंगे, और इसके साथ साथ हमारे समाज की जो प्रतिभाएं हैं उनके अध्ययन अध्यापन में जो परेशानी आ रही है उनको भी दूर करने के प्रयासों की समीक्षा करेंगे। पर्यावरण मित्र संस्थान की ओर से अलवर के कंपनी बाग में श्रमदान किया गया। कंपनी बाग विकास समिति के पूर्व अध्यक्ष मुरारी पाराशर ने बताया कि इसके तहत रविवार सुबह साफ सफाई की गई। वहीं उन्होंने कहा कि स्वच्छता को लेकर जिला कलेक्टर द्वारा विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ऐसे में कंपनी बाग में भी नियमित साफ सफाई की जरूरत है, इसे लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया जाएगा। पाराशर के अलावा समाज सेवी जगदीश सोनी ने कहा कि कंपनी बाग में कई असामाजिक तत्व शराब आदि का सेवन करते हैं। इसके अलावा यहाँ पेड़ों के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं है। जो पेड़ हमने लगाए थे उनकी आज देखभाल की है, वैसे तो रोजाना करते हैं, लेकिन जो आज उनके थावड़े बनाए और यहाँ पन्नियाँ जितनी इकट्ठी हो रही थी उनको हमने एक जगह की है। अब हमारे पास ऐसा कोई साधन तो है नहीं जो हम पन्नियों को मतलब बाहर ले जाके छोड़ें, तो हमारी जिला प्रशासन से माननीय कलेक्टर महोदय से हमारी निवेदन है कि वो एक बार यहाँ दौरा करें और यहाँ समुचित व्यवस्था करें, ताकि मतलब जो घूमने वाले आएँ वो इस ऐतिहासिक पर्यटन पार्क को देखकर मायूस ना हो। पीने के पानी नहीं है इस जगह पे और हम पानी पेड़ों में देने के लिए टैंकर द्वारा पानी उपयोग कर रहे हैं, तो माननीय जिला कलेक्टर महोदय इस ओर ध्यान दें। हम एक ज्ञापन माननीय कलेक्टर महोदय को भी इस ओर देंगे कि इस तरफ अध्यक्ष कंपनी बाग विकास। सबसे बड़ी समस्या बंदरों की, सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर बंदरों की है। सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए लोग बाग यहाँ आते हैं तो उन पर बंदर अटैक कर देते हैं, कई बार ये घटनाएं हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है, तो इस और भी थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। पकड़वाना चाहिए बंदरों को। हाँ, बंदरों को यहाँ से पकड़वा कर सरिस्का या कहीं भी बाहर जंगल में छोड़ा जाए तो उसे। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL TV। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा, इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में, क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करें और कराएं 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर।
चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स बजाजा बाजार अलवर। फोन नंबर 01442338653 and 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहां आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड जैसमंत तिराये से पहले कटी घाटी अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA, इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, ओपीडी सर्विस, ओटी वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जाँचे जैसे OCT, RFNL, VFA, बी स्कैन, योग लेजर, ए स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 01442370559। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अलवर ग्रामीण क्षेत्र से बड़ी संख्या में श्रद्धालु इन दिनों खाटू धाम पहुंच रहे हैं। मालाखेड़ा क्षेत्र से भक्तों का पैदल काफिला भी बाबा के धाम पर पहुंचा। उन्होंने नवरात्र के दौरान श्याम प्रभु की पूजा अर्चना कर विश्व शांति और कल्याण के लिए प्रार्थना की। जमालपुर निवासी रामवीर सिंह और प्रताप सिंह सहित अन्य भक्तों ने बताया कि वे बाबा के दर्शन पाने के लिए सुबह 4 बजे से ही कतार में लग गए थे। मालवीय नगर स्थित रामसा पीर के मंदिर में नवरात्रि के अवसर पर भजन सत्संग जारी है। पुजारी सूरज कुमार ने बताया कि भाद्रपद महीने से ही बाबा के दर पर नियमित रूप से पूजा अर्चना एवं भजन हो रहे हैं। वहीं नवरात्रि के दौरान बड़ी तादाद में श्रद्धालु पूजन करने और महाआरती में शामिल होने पहुंच रहे हैं। वहीं मंदिर प्रांगण में रामसा पीर, सुगनाबाई और हरजी भाटी सहित अनेक देवी देवताओं की मूर्तियां भी स्थापित हैं। स्काउट गाइड जिला मुख्यालय की ओर से राजगढ़ में आयोजित बेसिक कोर्स कैंप संपन्न हो गया है। समापन अवसर पर जिला सचिव संगीता गौड़ ने यहां मौजूद बालिका का जन्मदिन मनाया और केक काटकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश दिया। इस अवसर पर जिला प्रभारी सौरभ वर्मा, अनुराधा सोलंकी, कुलदीप सिंह अवाना, मनीषा औश्र, विजय सिंह आदि मौजूद रहे। रामगढ़ बस स्टैंड स्थित मंदिर में यादव समाज कार्यकारिणी के निर्विरोध चुनाव संपन्न हुए। इसमें पूर्व सैनिक सूबेदार शमशेर सिंह यादव को अध्यक्ष चुना गया, जबकि संरक्षक रामेश्वर दयाल यादव, उपाध्यक्ष दयानंद यादव, कोषाध्यक्ष सुनील कुमार और सचिव योगेश कुमार होंगे। साथ ही कार्यकारिणी में अनेक सदस्य शामिल किए गए हैं। इस मौके पर वरिष्ठ एडवोकेट राजकुमार यादव, पूर्व अध्यक्ष नवीन यादव और रामकुमार आदि मौजूद रहे। नीमराना स्थित विजय बाग के समीप शारदीय नवरात्र के उपलक्ष्य में मां दुर्गा का 10वां जागरण आयोजित हुआ। नवयुवक दुर्गा मंडल समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ मां दुर्गा की प्रतिमा के समक्ष अखंड ज्योति के साथ हुआ। यहाँ पंडित आदेश द्वारा विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर अंजलि यादव और डॉक्टर गजराज यादव रहे। इस दौरान कलाकार दीपक गुप्ता, धीरेंद्र गुप्ता, प्रियंका सिंह, कमल कान्हा और विजय पंजवानी ने श्री राधे म्यूजिकल ग्रुप के साथ भजनों की मनमोहक प्रस्तुति दी। साथ ही आकर्षक झांकियां सजाई गई। इस दौरान संगठन से जुड़े धर्मेंद्र सिंह, विनय सिंह, राजवीर, मनोज कुमार, अनिल गुप्ता, धनंजय, कन्हैया और रामप्रीत आदि की मौजूदगी रही।
और वहीं नीमराना में महावर धर्मशाला के पास बाबा शिव स्वरूप काली कमली रामलीला मंच पर अनेक प्रसंग मंचित किए गए। यहां भगवान श्री राम के विवाह का प्रसंग संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि सतीश हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर संदीप दहिया, जयदेश, राहुल शर्मा और सामाजिक कार्यकर्ता वीर सिंह ने दीप प्रज्वलित किया। गणेश वंदना के साथ रामलीला का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर रामलीला मंडल के अध्यक्ष राजा राम प्रजापत, कोषाध्यक्ष भवानी योगी और निदेशक कैलाश बड़सीवाल द्वारा अतिथियों को राम दरबार भेंट किया गया। रुक करते हैं खैरथल का। खैरथल में शारदीय नवरात्रों के दौरान कई स्थानों पर भंडारे जारी हैं। मातौर रोड पर HDFC बैंक के सहयोग से भंडारा संपन्न हुआ। बैंक प्रबंधक रूपेश गुप्ता ने बताया कि माता दुर्गा की सामूहिक आरती के बाद भोग लगाकर कन्या भोज करवाया गया। वहीं दिन भर भंडारे का दौर चला। यहां व्यवस्था में निधि गुप्ता, रोहित डाटा, रोहित सैनी, पीयूष नागपाल, ऋचा मोटवानी, राजेंद्र कुमार और अनिल गोयल आदि मौजूद रहे। उधर रेलवे फाटक के समीप चूड़ी मार्केट के व्यापारियों ने देवी माँ का विशेष पूजन किया। इसके बाद प्रसाद वितरित किया गया। और वहीं खैरथल की आनंद नगर कॉलोनी में शेरावाली माता का जागरण धूमधाम से संपन्न हुआ। यहां रॉयल ऑर्केस्ट्रा ग्रुप ने देवी माँ का गुणगान किया, साथ ही भव्य दरबार सजाया गया। कलाकार विक्रम, कमल काहना, भारत खुराना, पूनम ब्रिजवासी और अनवर मस्ताना ने अनेक भजन प्रस्तुत किए। इस मौके पर ईशु ढींगरा, विक्की चौधरी, गौरव शर्मा, हनुमान राठौर, मुकेश आर्य, अमित गुप्ता और विकास आदि मौजूद रहे। खैरथल हनुमान भक्त मंडल ने रविवार को मोटलो की धर्मशाला में तृतीय सामूहिक कन्या पूजन का आयोजन किया। इस मौके पर अतिथियों द्वारा दुर्गा पूजन के साथ ही करीब 400 कन्याओं का सामूहिक पूजन किया गया। वहीं भजनों की प्रस्तुतियां भी दी गई। कार्यक्रम में संयोजक रमाकांत गुप्ता, मोहन, सुनील लालवानी, सुरेश गुप्ता, ठाकुर दास, अनिल और गुलशन सैनी आदि की उपस्थिति रही। तिजारा में श्री रामलीला कमेटी द्वारा डिजिटल पर्दे पर आकर्षक दृश्यों के साथ राम वनवास की लीला मंचित की गई। समिति अध्यक्ष सतपाल सैनी के नेतृत्व में अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित किए गए। यहां विधायक महंत बालकनाथ मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। साथ ही प्रधान JP यादव, बने सिंह विधूड़ी, रामेश्वर सैनी, विशंबर सैनी और महंत जस्सू महाराज आदि भी अतिथि थे। कार्यक्रम संचालक इंदर सिंह दहिया ने बताया कि डॉक्टर ठाकुर सिंह पालीवाल के निर्देशन में दशरथ कैकई और मंथरा कैकई संवाद को देखकर दर्शक भाव विभोर हो गए। इसके अलावा राहुल सैनी, सचिन जांगेड़, मोहित सैनी, पुरुषोत्तम गजमोती, दिनेश जांगेड़, सुभाष अग्रवाल और उग्रसेन सैनी ने भूमिका निभाई, जबकि मंच संचालन हिमांशु कटारिया ने किया। भगवान ने जो यहाँ पर हम सबको आशीर्वाद दिया है, हम सब भी भगवान के पद चिन्हों पर चलकर और भगवान को अपने मन हृदय के अंदर धारण कर हमारे देव हमारे द्वारा भी किए हुए कार्य, हमारे द्वारा मन के अंदर भी किसी के लिए हीन भावना ना हो और हम सब भी भगवान के बताए मार्ग पर चलकर अपने जीवन को आगे बढ़ाएं और हमारा जीवन का उपयोग हमारे धर्म, संस्कृति और हमारे देश के लिए उपयोगी हो, इसी स्वरूप से भगवान हम सबके जीवन को आगे बढ़ाएं। आप सभी का मैं पुनः धन्यवाद अभिनंदन करता हूँ। पूरी रामलीला कमेटी का धन्यवाद अभिनंदन करता हूँ। विधिक जागरूकता शिविर एवं सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में अनेक प्रतिभागियों ने शिरकत की, साथ ही विधिक शिविर लगाया गया। यह आयोजन विद्या आश्रम पब्लिक स्कूल और तालुका विधिक सेवा समिति ने लक्ष्मणगढ़ गोविंदगढ़ ADJ गोपाल सैनी के निर्देशन में करवाया। PLV अनिल कुमार ने बताया कि इस दौरान नालसा गरीबी उन्मूलन योजनाओं को लेकर विधिक सेवाओं और सरकार की अन्य कल्याणकारी स्कीम की जानकारी दी गई। यहाँ मौजूद जाबिर हुसैन एवं मंगल सिंह के अनुसार प्रतियोगियों को पुरस्कृत भी किया गया। कठुमर विधायक रमेश खींची की अध्यक्षता में बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन को लेकर बैठक संपन्न हुई। इस दौरान ADM सहित ब्लॉक स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। वहीं दुधेरी गांव में जन सुनवाई की गई। तहसीलदार RK यादव ने बताया कि कठुमर में कन्या महाविद्यालय, देवनारायण बालिका हॉस्टल, 132 KV GSS और जलदा एक्शन कार्यालय खोलने के लिए जमीन पर चर्चा हुई। बैठक में ADM मुकेश कायथवाल, SDM मोहकम सिंह, तहसीलदार RK यादव, विकास अधिकारी शशि बाला, पालिका चेयरमैन शेर सिंह मीणा आदि मौजूद रहे। वहीं दुधेरी गांव में जन सुनवाई के दौरान विधायक ने अनेक ऐलान किए। इस मौके पर भाजपा मंडल अध्यक्ष सुनील बजाज, पूर्व प्रधान संजय खींची, गोपेश भारद्वाज, सोमेश्वर चौधरी और प्रकाश चौधरी आदि मौजूद रहे। कठुमर गंगा महारानी मंदिर से धौलागढ़ देवी के लिए पदयात्रा रवाना हुई। पूजा और सामूहिक आरती के साथ भक्तों की रवानगी हुई।
इस मौके पर मुख्य अतिथि पूर्व प्रधान संजय खींची, विशिष्ट अतिथि डीएसपी जोगेंद्र सिंह राजावत और चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर जवाहर सैनी ने रथ पर सवार माँ धौलागढ़ देवी का पूजन किया। यहाँ पंडित मनोज भारद्वाज ने विधिवत पूजा करवाई। उधर माँ धौलागढ़ देवी युवा मंडल के अध्यक्ष एडवोकेट रामजीलाल शर्मा और रिमांशु शर्मा ने बताया कि इस बार सातवीं पदयात्रा निकाली जा रही है। भक्तों ने धौलागढ़ मंदिर पहुंचकर माता के दर्शन किए एवं प्रसाद और चुनरी चढ़ाई। कठुमर के जीआईएस स्कूल में राज्य सरकार द्वारा विधायक रमेश खींची के मुख्य आतिथ्य में रोजगार मेला लगाया गया। सहायक निदेशक श्यामलाल ने बताया कि इस रोजगार मेले में 20 कंपनियां शामिल हुई, साथ ही 283 युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। इस मौके पर विधायक खींची ने रोजगार विभाग से हर 3 माह में कठुमर क्षेत्र में रोजगार मेला लगाने का आग्रह किया। मेले में एसडीएम मोहकम सिंह, चेयरमैन शेर सिंह मीणा, पूर्व प्रधान संजय खींची, गोपेश भारद्वाज, तहसीलदार आर के यादव और सुनील बजाज आदि की उपस्थिति रही। अलवर के शोलालपुरा स्थित शिव खाटू श्याम जी मंदिर में शिव महापुराण कथा जारी है। यहां स्वामी कमलदास बापू ने देवराज, बिंदुक और चंचुला की कथा सुनाई, जिन्होंने शिव महापुराण की कथा सुनकर शिवलोक की प्राप्ति कर ली थी। वहीं सोमवार को शिव जी के व्रतों की कथा सुनाई जाएगी। अलवर के कालाकुआ स्थित सैटेलाइट हॉस्पिटल में रविवार को सीएमएचओ डॉक्टर योगेंद्र शर्मा ने आईसीयू वार्ड का उद्घाटन किया, साथ ही आईसीयू बेड और मॉनिटर प्रदान करने वाले कमल कुमार और अन्य परिजनों का आभार जताया गया। इस अवसर पर पीएमओ डॉक्टर जीएस राठौड़, हेमराज गुप्ता, अशोक कुद्दल, डॉक्टर रवि माथुर, विशाखा, मधु जैन और सीमा चौधरी आदि की उपस्थिति रही। साथ ही मरीजों को फल वितरण किया गया। मात्र कहने को 3 बेड हैं, लेकिन रोजाना उस पर नया मरीज आता है, वह ठीक होता है, वह उचित गुणवत्ता की शुद्ध जो इलाज मिलेगा उसे पूरी मॉनिटरिंग हो सकेगी, पूरा उसको पूरी सुविधाएं मिलेगी। सेंट्रलाइज्ड ऑक्सीजन थेरेपी है, तीनों में मॉनिटर हैं और जो अत्याधुनिक बेड लगाए गए हैं, मरीज को हर तरह की सुविधा मिल पाएगी और सुविधाओं में विस्तार होगा, क्योंकि हम सामान्य जो अस्पताल है उसके बेड अधिकतर फुल पाए जाते हैं। तो यहाँ पर अगर ये सुविधा मिलेगी तो मरीज का ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं होगा, उसको बहुत फायदा होगा। आज सीएमएचओ साहब ने जो उद्घाटन किया है, इससे क्या है, क्रिटिकल केयर जो मरीज होते हैं, गंभीर अवस्था में जो मरीज होते हैं, उनका उपचार किया जा सकेगा और उनको जो है ट्रांसपोर्टेशन जो जाने आने की तकलीफ है वो भी ख़त्म हो जाएगी, इससे क्या मरीजों को बहुत ही अधिक लाभ मिलेगा। भिवाड़ी में मनी ट्रांजेक्शन और ई मित्र की कई दुकानों पर नगद रुपए लेकर ऑनलाइन खाता ब्लॉक कर धोखाधड़ी की जा रही थी। इस गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश किया है, साथ ही मुलजिम फरदीन को गिरफ्तार कर बाइक एवं 79,200 रुपए बरामद किए हैं। थाना प्रभारी सत्यनारायण ने मुखबिर की सूचना के बाद भिवाड़ी बस स्टैंड पर इस आरोपी को दबोच लिया। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। विदेशी व्हाट्सएप नंबर पर कलेक्टर की फोटो लगा साइबर ठगी का किया प्रयास, खैरथल तिजारा कलेक्टर ने रिपोर्ट करवाई दर्ज। नकली उर्वरकों और कालाबाजारी पर अंकुश के लिए हुई धरपकड़, कृषि विभाग ने लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र में 2 को दबोच, उर्वरक किए जब्त। टूटते संयुक्त परिवार और तनावपूर्ण जीवन बने मानसिक रोगों की वजह, विश्व मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह का हुआ आगाज। और करणी माता सहित देवी मंदिरों में उमड़ रहे हैं भक्त, शारदीय नवरात्रों में जारी है विशेष पूजन। एटीएल न्यूज में आज के लिए इतना ही, ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ETL TV, भरोसा अलवर का।